पाकिस्तान में लॉकडाउन की पाबंदियां एक एक करके उठ रही हैं। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है और आज से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बंद की गई ट्रेनें भी तकरीबन दो महीने बाद दोबारा चलना शुरू हो गई हैं। जबकि सिंध और पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक मजीद अहम ऐलानात कर दिए हैं। सिंध हुकूमत ने SOPs पर अमल करते हुए शब कदर, जुमतुल विदा और नमाज ईद के लिए इजमात की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। जैसे आज बड़ी बाबरकत रात है, शब कदर की रात है, 27वीं की रात है, रहमतों की रात है और फिर आगे ईद भी आनी है, जुमतुल विदा भी है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने आज एक नोटिफिकेशन उनका मिला है उसी पर तमाम सूबे जो हैं वो अमल करेंगे। जुमतुल विदा की नमाज है या दीगर नमाजें हैं या तरावियां हैं वो उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी और हमने भी उलमाए कराम से दोबारा भी मशावरत की है। जो नमाज ईद है उसके लिए जो बड़ी खुली जगहें हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं, तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और वो फास्ते से खड़ा होगा। और एक जगह अगर नमाजियों की तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा ही होगी हर जगह, तो एक से ज़ायद मरतबा ईदुल्फितर की नमाज एक ही जगह पर अदा की जाएगी। कहीं पर दो मरतबा भी हो सकती है, कहीं पर तीन मरतबा भी हो सकती है। इसी तरह पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने शहरों के दरमियान फौरी तौर पर बसें चलाने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है कि SOPs पर अमल करते हुए GT रोड पर 20% किराए में कमी के साथ सीट बाय सीट बसें चलाई जा सकती हैं, जबकि मोटरवे पर बसों के किराए में कमी नहीं होगी और सीट छोड़कर मुसाफिरों को बिठाया जाएगा। मोटरवे के ऊपर क्योंकि ये एक सीट छोड़कर एक सीट पे पैसेंजर को SOPs जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करना है, लिहाजा हमने इनसे ये कहा है कि वो 20% जो किराए में मोटरवे के ऊपर कमी है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ताकि आप जो है अपने पैसेंजर को ले जा सके। यही बसें अगर GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद जाना चाहती हैं या मुल्तान रोड के ज़रिए आगे साउथ में जाना चाहती हैं तो उनके लिए जो गवर्नमेंट पंजाब के SOPs हैं 20% किराए की कमी के साथ आप इसको लेकर चलेंगे। और अगर एक फैमिली फ़र्ज़ करें, अपनी फैमिली 2, 4, 6, 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सफ़र कर रही है तो उनको अलहदा बैठने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर सीट छोड़ने का जो है वो भी हमने इनको कहा कि आप सीट ना छोड़ें क्योंकि कमज़ोर आदमी जो है वो डबल किराया नहीं दे सकेगा। अब अहम बात यह है कि इस फैसले के तहत मोटरवे पर तो बसों में सामाजिक फासले की पाबंदी की शर्त बरकरार रखी गई है मगर GT रोड पर बसों में सामाजिक फासले की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है जबकि किराए में कमी जरूर कर दी गई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पंजाब में मुज़ाकरात के बाद जो मज़ारात हैं उसको खोलने की भी इजाज़त देने का फैसला किया गया है जिसके तहत महकमा औकाफ के तहत आने वाले 544 मज़ार खोले जाएंगे मगर पंजाब हुकूमत ने ईद पर सिनेमा और थिएटर्स खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इन मकामात पर SOPs पर अमल दरामद कराना नामुमकिन होगा जबकि आज मुल्क भर में दो महीने की बंदिश के बाद ट्रेनें दोबारा चला दी गई। पहले मरहले में 20 ट्रेनें चलाई गई हैं और SOPs पर अमल दरामद भी किया गया। इंतजामिया ने साबित किया कि अवाम से SOPs पर अमल दरामद कराया जा सकता है अगर सख्ती से फैसले पर अमल दरामद कराया जाए जिसके तहत ट्रेनों में 40% नशस्तें खाली रखी गई और किसी मुसाफिर के रिश्तेदार को स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। कराची रेलवे स्टेशन पर क्या सूरत हाल रही पहले वो देखिए फिर हम आपको दिखाएंगे कि जब अमल दरामद कराना हो तो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में एक जैसा अमल दरामद हो सकता है। पहले कराची से देखिए सनुविया चौधरी की रिपोर्ट। वायरस ने जहां दुनिया भर में जिंदगी की गाड़ी को ब्रेक लगा दिए वहीं हकीकत में ट्रेन का पहिया भी रुक सा गया। लेकिन पाकिस्तान में तो मीठी ईद का मजा अपनों के बगैर फीका ही रहता है। कराची में मुल्क के दूसरे शहरों से तलाशे मौज के लिए आने वाले सारा साल घरों को जाने का इंतजार करते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की दीवार दरमियान में हायल हो जाए तो मीठी ईद का मजा किरकिरा हो जाता है।
बिलाखिर खुदा खुदा करके अब हिफाजती इकदामात के साथ 2 माह बाद मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन बहाल हुआ तो कराची कैंट स्टेशन से पहले रोज 11 ट्रेनें अंदरून मुल्क के लिए रवाना हुई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुसाफिरों को पहले ही आगाह कर दिया था कि वो अपने पास मास्क और सैनिटाइजर रखें। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे का भी इंतजाम किया गया। इंतजाम सही है, सैनिटाइजर वगैरह सफाई सुथराई बहुत है, SOPs पे बहुत अमल हो रहा है। गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा किया है, किसी ने भी किया है वो अल्लाह का नेक बंदा ने किया है। देखो पैसे वाला सरमायादार तो वो बाई रोड भी जा सकता है, जहाज में भी जाए, ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा किया। पहली ट्रेन की रवानगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DS रेलवे ने दावा किया कि दौरान सफ़र भी मुसाफिरों का चेकअप किया जाएगा, जबकि तबीयत खराबी की सूरत में ट्रेन में इलाज मुआलजे की सहूलत भी मौजूद होगी। जबकि ट्रेन को 40% खाली रखा गया है ताकि रश से बचा जा सके। ट्रेन की सफाइयों में हमने यहाँ पे बाकायदा स्वीपर्स रखे हुए हैं, एडिशनल रखे हुए हैं, सैनिटाइजिंग की हुई है, हमने डिसइंफेक्टिंग तमाम ट्रेनों की कर दी और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ट्रेन ऑपरेशन बहाली के बाद कैंट स्टेशन के अंदर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया, जबकि मुसाफिरों का टेम्परेचर भी चेक किया गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन और मोहम्मद साजिद के साथ आशाज़ेब खानजादा के साथ के लिए सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने पर इंतजाम कैसे थे, किस तरीके से अमल दरामद किया गया, कराया गया और आवाम ने भी कैसे अमल दरामद किया, देखिए जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीद अली की रिपोर्ट में। पच्चीस मार्च से बंद मुसाफिर ट्रेनें बहाल हो गईं। पहले रोज लाहौर से रावलपिंडी के लिए 1 और कराची के लिए 3 ट्रेनें रवाना हुई। मुसाफिरों को मोबाइल फोन पर टिकटों की कंफर्मेशन का मैसेज दिखाकर स्टेशन में दाखिले की इजाजत दी गई। मुसाफिरों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर निशान लगा दिए गए। मुसाफिरों के साथ आने वालों को स्टेशन में दाखिले से रोक दिया गया। हर मुसाफिर को मास्क पहनने की ताकीद की गई। स्टेशन और ट्रेनों को क्लोरीन स्प्रे से डिसइंफेक्ट किया गया। 3 में जिस तरह से लोग यहाँ पर आ जाया करते थे अब वैसे नहीं आ जा सकते। ये प्रॉपर एक बैरियर लगाया गया है जिस बैरियर में से गुजरकर उन्हें टनल में से गुजरना पड़ता है जहाँ पर क्लोरीन का स्प्रे किया जा रहा है और टोटली जो है जो भी यहाँ पर अंदर आ रहा है वो खुद और उसका सामान टोटली डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ट्रेन ऑपरेशन जब दोबारा बहाल हुआ है तो यहाँ से सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से, बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत का। बहुत मेन इंतजाम हैं और सहूलत भी है, सैनिटाइजर लगा के भेज रहे हैं बंदों को अंदर। समाजी फासलों के असूल पर अमल करते हुए ट्रेनों में भी 40% नशिस्तें खाली रखी गई। अभी एक पूरे ब्लॉक के अंदर जो है 4 लोग बैठा करेंगे, 2 लोग सामने वाली सीट पे और 2 लोग इस तरफ वाली सीट पर, तो हिफाजती फासला जो है वो ट्रेन के अंदर भी बरकरार रखा हुआ है। मास्क चेक किए हैं, उसके बाद उन्होंने हमारी टिकट चेक की, अंदर आए हैं, हमें अच्छे इंतजाम थे। ऑनलाइन टिकट मोबाइल दिखाया है, उससे उन्होंने मेरा नंबर देखा है, उसके बाद उन्होंने मतलब अंदर भी बड़े अच्छा सारी इंतजामिया अलर्ट है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बड़े अच्छे बहुत ही अच्छे इंतजाम। ट्रेनें बहाल होने पर मुसाफिर खुश दिखाई दिए और कोरोना SOPs पर अमल किया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर को 500 रुपए और दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। 3री मरतबा खिलाफ वर्जी पर मुसाफिरों को ट्रेन से उतार दिया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के लिए कैमरामैन AR अदनान और खालिद खान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज लाहौर। ज़ाहिर बुनियादी जिम्मेदारी आवाम की है कि वो SOPs की पासदारी करें, मगर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जब के इंतजाम हुकूमत ही को करने पड़ेंगे, अमल दरामद कराने के लिए भी इकदाम हुकूमत ही को करने पड़ेंगे। ट्रेनों में कर दिए गए हैं तो कराची से लेके लाहौर तक पासदारी हो रही है, मॉल्स में कर दिए गए तो कराची लाहौर तमाम मॉल्स में पाबंदी हो रही है, ताजिर बरदारी के लिए नहीं किए गए मुख्तलिफ बाज़ारों में तो ना कराची में पासदारी हुई, ना पिशावर में पासदारी हुई, ना लाहौर में पासदारी हुई आम बाज़ारों में, तो आवाम से ये काम कराना पड़ेगा। यूरोप से लेके दूसरे ममालिक में नज़र आ रहा है कि जुर्माने रखे गए हैं कि अगर आपने मास्क नहीं पहना, फासला नहीं इख्तियार किया गया तो आवाम पर जुर्माना रखा जाएगा। तो आवाम की जिम्मेदारी ज़रूर है मगर हुकूमत की जिम्मेदारी भी साथ साथ है। पिशावर में भी जहाँ पर हम देख रहे थे कि बाज़ारों में कोई पासदारी नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट में कोई पासदारी नहीं हो रही क्योंकि नहीं कराई जा रही, जब आज ट्रेनें खुली तो क्या हुआ देखिए। पेशावर
भर में ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। आज क्वेटा के लिए एक जबकि कराची के लिए दो ट्रेनें रवाना होंगी। हुकूमत ने मुसाफरों और अमले के लिए SOPs बनाए हैं। आइए देखते हैं कि इन SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है। स्टेशन पर सैनिटाइजर गेट नस्ब किया गया जबकि मुसाफरों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। इंतजाम भी हमने सख्ती भी की, आपने खुद देखा होगा कि आपको भी बगैर स्क्रीनिंग के यहाँ पे स्टेशन पे दाखिल होने नहीं दिया गया, तो SOP के मुताबिक अमल हो रहा है। स्टेशन और गाड़ियों में जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया। स्टेशन की सूरत हाल तो हमने देख ली है। अवामी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ट्रेन के अंदर की क्या सूरत हाल है। ट्रेन के अंदर मुसाफरों ने मास्क भी पहने हुए थे जबकि समाजी फासले का ख्याल भी रखा गया। गाड़ी के अंदर हर मुसाफिर को चेक करके सैनिटाइजर करके उसके बाद मास्क ग्लव्स ये चेक करके उसके बाद पेशावर से गाड़ी को कराची के लिए रवाना किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने उनको मतलब ये सहूलत दी है तो आवाम भी उनका ख्याल कर रही है, हर चीज़ वगैरह ग्लव्स पहन रहे हैं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक स्टेशन में गैर जरूरी अमले को कम कर दिया गया है जबकि रश से बचने के लिए मुसाफरों को ऑनलाइन टिकटिंग सहूलत फराहम की गई है। प्रोग्राम शाजिब खानजादा के लिए, कैमरामैन तारिक अली के साथ शिबा हैदर, पेशावर। रेलवे तमाम सूबों में SOPs के साथ खुली, उस पर अमल दरामद भी कराया गया। अब तेजी से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, सिंध में भी दूसरे सूबों में भी अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और केसेस की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 13,962 टेस्ट किए गए जिसमें से 1932 मस्बत आए हैं। सिंध में एक दफ़ा फिर 1,000 से ज़्यादा केसेस मस्बत आए। सिंध में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिंध इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस वाला सूबा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा हालांकि टेस्ट किए जा रहे हैं मगर वहाँ पर तादाद में इतना तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा है। वहाँ पर 6,235 टेस्ट किए गए, 709 कोरोना के केसेस मस्बत आए हैं, यानी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इजाफा सिंध में हो रहा है। अब जबकि चीज़ें खोली जा रही हैं तो ये मामला कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अफसोसनाक खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं। पंजाब में कोरोना के नए केसेस में कमी देखने में ज़रूर आ रही है मगर कोरोना से हम बात फिर भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रज़ा कोरोना वायरस से इंतकाल कर गई। वो लाहौर के मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। डॉक्टर्स के मुताबिक शाहीन रज़ा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थी। अब जबकि सब कुछ खुल रहा है तो सूरत हाल कहाँ जाएगी।